मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है और मैं उदयपुर से ही हूँ। अभी लेटेस्ट में संतोष ट्रॉफी हुई थी, उसके अंदर मैं एज ए प्लेयर गया था। और मैं 2 साल पहले यहाँ सर के अंडर मैंने कोचिंग स्टार्ट की है। पहले मैं ऐसे ही ग्राउंड पे आता था और खुद ही खेलता था अकेला, लेकिन सर ने मेरे को देखा और बोला कि आप फुटबॉल सीखना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ सर वाला मैं सीखूँगा, और फिर मैं सर के अंडर में फुटबॉल सीखने लग गया। 2 साल से बहुत अच्छी सर ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके बाद अब आप मैं नेशनल प्लेयर हूँ। सो वेल हेलो दोस्तों, आज हमें गांधी ग्राउंड में शकील सर के साथ, जो पिछले 2 वर्षों से बहुत सारे फुटबॉल के जो एंथुजियास्ट बच्चे हैं जो फुटबॉल सीखना चाहते हैं उन्हें निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मेरी स्कूलिंग जयपुर से दरबार हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। हम लोग वहीं, हमारे फादर साहब वहीं थे। उसके बाद कॉलेज में हम 11th करने के बाद, उस समय 12th नहीं हुआ करती थी, 11th करने के बाद मैं उदयपुर आया श्रमजीवी कॉलेज से। पारिवारिक स्थिति सही नहीं होने से दिन में मैं जॉब करता था और शाम को कॉलेजिंग करी नाइट कॉलेज में। तो मैंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का डी लाइसेंस कोर्स करा। मैं यहाँ से कोर्स कराने गया, मेरे साथ और 23 बच्चों ने करा, उनको भी बेनिफिट मिला और सर्टिफिकेट कोर्स सर का आया। उसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल ने सर्टिफिकेट कोर्स के बेस पे, यूनिवर्सिटी के बेस पे मेरे को अपॉइंटमेंट दिया यहाँ पे। मैंने उससे पहले 93 के अंदर रेफरी कोर्स भी करा हुआ था और मैं काफ़ी मैच खिलाता था, मुझे वो अनुभव भी था। तो उसलिए मैंने रेफरी भी यहाँ तैयार करे उनको, और तो रेफरशिप का प्लस ट्रेनिंग का दोनों का बराबर साथ चलता रहा और इस तरीके से मैंने ये स्टार्ट करा। तो ये जो फुटबॉल का पैशन है आपके अंदर, वो किस उम्र से आपके अंदर डेवलप हुआ? आपको किस उम्र से लगा कि नहीं यार फुटबॉल ही गेम है जो मुझे खेलना है और मुझे इसमें भविष्य बनाना है? एक्चुअली छोटी सी उम्र से मैं हर गेम खेलता था, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो में मैं स्कूल स्टेट खेला हुआ हूँ, और क्रिकेट भी यहाँ उदयपुर में मैं सुखाड़िया लीग यहाँ बहुत किसी ज़माने फेमस होती वो खेला हुआ हूँ। तो फुटबॉल भी खेलता था। तो यहाँ पे मेरे को 1986 से ऐसा लगा यहाँ पे कोई कंपटीशन फुटबॉल हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसके अंदर मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ उदयपुर की टीम में और पहली बार मुझे स्टेट खेलने को मिला। झालावाड़ टीम गई थी उदयपुर की और वहाँ पे हम सेमीफाइनल तक पहुँचे थे। तो वहाँ से फिर मेरे को जुनून पैदा हुआ फुटबॉल का, मुझे फुटबॉल ही खेल लिया जी। तो आप बताएं कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई और आपने कहाँ से फुटबॉल की कोचिंग ली है? 86 में जब मैं फुटबॉल खेल के आया वहाँ पे, तो मुझे एक अलग लेवल का स्टेट लेवल पे जो कंपटीशन हुआ वहाँ पे मुझे पता लगा हम कौन सी फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पे उस लेवल पे कौन सी फुटबॉल है। तो उसके लिए मुझे अब ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ये वहाँ तक तो मैं अपने खुद के बलबूते पे पहुँच गया। फिर ट्रेनिंग के लिए इत्तेफाक से हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल में गोविंद सिंह जी कोच साहब थे, NIS कोच साहब थे। गोविंद सिंह जी को मैंने रिक्वेस्ट करी, वो यहाँ आते थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तैयार हूँ। गोविंद सिंह जी ने मुझे टेक्निक और जो बेसिक चीज़ें फुटबॉल की जो बेसिक होती है वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है आज के ज़माने के बच्चे के लिए? आज के ज़माने में मोबाइल, TV, ये इनके ज़माने में स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। और कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। उसका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, फालतू आदतें दूर होती है। और अभी तो राजस्थान सरकार ने भी बोला जॉब के लिए 2% का, तो वो भी है। और अगर वो नहीं भी बोल रहे थे तब भी उनके लिए वो स्पोर्ट सपोर्ट करता है उनके करियर बनाने में। तो जैसा कि हम जानते हैं पिछले 2 वर्षों से आप निःशुल्क बच्चों को यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 2017 से 2019 तक आपका यह सफ़र किस तरीके से रहा? मैं यहाँ पे खुद भी खेलता था और बच्चों को छोटी मोटी ट्रेनिंग देता था। तो कुछ बच्चे मैंने खेलते हुए देखे, उनमें थोड़ा सा मुझे नज़र आया कि बच्चों में टैलेंट है। मैं उनके पास चला के गया और मैंने बोला कि बेटा इधर आप लोग क्या प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए आपको? बोला हाँ सर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो उनको लेके 7 बच्चों से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। तो झाला साहब ने फिर स्पोर्ट्स काउंसिल में मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या कोच अपॉइंट किया, तो वहाँ से सैलरी भी मुझे आती है। तो ये मेरा अलग प्लस पॉइंट हो गया। तो जब सैलरी मुझे आने लगी तो मुझे लगा जब मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं इसका कुछ उपयोग सही ढंग से करूँ, जेब में नहीं रखूँ। फिर मैंने प्रॉपर बच्चों के लिए किट लाया, इक्विपमेंट लाया। फुटबॉल हमें स्पोर्ट्स काउंसिल से मिलती है लेकिन बाकी जो और जो सपोर्टिंग सामान है
इस ग्राउंड में, वो सारा मैं अपने उन्हीं पैसों से मैं लेके आता हूँ और बच्चों को हर साल एक दो किट मैं सब बच्चों को देता हूँ। धीरे धीरे बच्चे अभी 120 बच्चे मेरे पास हो गए हैं, 6 साल से लेके सीनियर 22-23 साल तक के बच्चे करीब 120 बच्चे हैं और बच्चे अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। उदयपुर में किसी भी एज की टीम बनती है, इन बच्चों के बिना टीम अधूरी है जी। अंडर 14 टीम बनेगी, मैक्सिमम बच्चे 8-9 बच्चे यहाँ के इस ग्राउंड से जाएंगे। पिछले 2 वर्षों से यहाँ से उदयपुर के बहुत सारे बच्चे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कुछ नेशनल लेवल भी खेल चुके हैं, तो वो बच्चे कौन कौन है और किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हुई आप ये बताएं। कैफ मियाजी, सबसे पहले कैफ मियाजी जूनियर नेशनल खेलने गया था, वो राजस्थान टीम के 22 कैप्टन बने, और उसके बाद वेदांत खड़कवाल सेंट पॉल स्कूल का बच्चा है, वो खेले। द स्टडी स्कूल के दिव्यांश चौबीसा, DPS स्कूल के देवांश टेलर और ईशान ज्ञान, BNCP के मुस्तकीम, बड़े यूनिवर्सिटी के करण गावड़ी, ये भी राजस्थान टीम के वाइस कैप्टन रहे हैं। ऐसे और दो बच्चे हैं, द स्टडी स्कूल की दो बच्ची हैं, खुशी सुराना और यशवी जेठी, दोनों नेशनल खेल गई हैं, दोनों दो दो बार नेशनल खेल गई। कोचिंग यहाँ पे डेली 4 बजे से होती है और मेरी 2 शर्तें हैं जो भी बच्चा नया आता है उसके लिए। पहली शर्त तो यह है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, दूसरा रेगुलर आना है जी। जो बच्चा रेगुलर रहता है उसी को करते हैं यहाँ पे मैं कोचिंग करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं पूरे सप्ताह का एक शेड्यूल चार्ट बना के लाता हूँ डे वाइज, आज मुझे किस बच्चे को क्या चीज़ सिखानी है, कौन से ग्रुप को क्या करना है, कौन सी ड्रिल करानी है जी। तो उससे क्या बच्चे बहुत जल्दी पिकअप हो रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप उनका आगे ट्रेनिंग चल रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं बच्चे। अब जैसे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं इंडिया में और सबसे फेमस जो स्पोर्ट है क्रिकेट, तो बहुत बच्चे उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि फुटबॉल जैसे कि डेवलप हो रहा है इंडिया में, तो वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उसमें क्या क्या जो फील्ड है जो बच्चे उसमें जा सकते हैं। अभी आपने सभी ने देखा होगा और आप मीडिया ने भी काफ़ी बताया है कि अंबानी जी के मैडम ने रिलायंस फाउंडेशन के नाम से एक बनाया है, वो फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं ग्रास रूट से लेके बड़े तक। तो अभी जयपुर में यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट चल रहे हैं रिलायंस फाउंडेशन के, तो इसी तरह राजस्थान में पहली बार हो रहा है, तो वो है आई लीग है, उसके अलावा कई प्रोफेशनल क्लब्स आ गए आजकल, तो वो सब बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, आगे चांस मिलता है, फॉरेन भी जाते हैं बच्चे, अच्छा पैकेज मिलता है उनको बच्चों का। तो फुटबॉल इसलिए, दूसरी बात ये क्रिकेट के अंदर बहुत पैसा है, दूसरे गेम्स में पैसा है, लेकिन फुटबॉल के अंदर भी अभी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है बच्चों को। इसके अंदर एज ए प्लेयर आप प्रोफेशनल फुटबॉल खेल सकते हैं, अच्छी सैलरी के ऊपर आपको क्लब हायर करते हैं, उसके अलावा आप आई लीग खेलो, आई लीग में अच्छा पैसा मिलता है जी। प्लेयर के अलावा आप नेशनल खेलोगे, नेशनल के अंदर आपको जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है। उसके अलावा अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप BPED करें फिजिकल एजुकेशन में, आप NIS करें, NIS के अलावा आजकल फेडरेशन ने अपने कोर्स कर रखे हैं, सी लाइसेंस, डी लाइसेंस, बी लाइसेंस, ए लाइसेंस। इंटरनेशनल कोच को ए लाइसेंस चाहिए, लेकिन डी लाइसेंस और सी लाइसेंस वाले स्टेट लेवल के कोचिंग करते हैं और उनको हर एसोसिएशन हायर करके रखता है अपने पास और एक अच्छा पैसा देता है उनको जी। तो इस तरीके से कोचिंग लाइन में भी है। दूसरी बात, फेडरेशन ने भी रेफरशिप के लिए भी कोर्स कर रखे हैं, उसमें CAT 5, CAT 4, CAT 3, तो रेफरियों को भी बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। अभी हमारे यहीं से 8 बच्चे जिन्होंने CAT 5 करा है वो रिलायंस फाउंडेशन के मैच खिला रहे हैं। okay. अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, रिलायंस फाउंडेशन बहुत बड़ा फाउंडेशन है, उसके अंदर राजस्थान से 8 बच्चों में से 2 बच्चे मेरे गए, 8 बच्चे टोटल ट्रेनिंग लिए, उनमें से 2 बच्चे उस रिलायंस फाउंडेशन में, 4 रेफरी में 2 रेफरी अपने हैं। तो वो अच्छा पैकेज मिल रहा है, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, खेलने के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी भी है। तो कुल मिला के फुटबॉल के अंदर अभी बहुत अच्छा बच्चों के लिए आगे चांसेस हैं जी। तो आपने ये जो मुहिम चालू करी 2 साल पहले, इसके पीछे क्या मुद्दा रहा, क्या मोटिव रहा माइंड में कि यार मुझे बच्चों को ट्रेन करना है? एक्चुअली जब मैं 86 के अंदर मैं जूनियर खेल के आया, उसके बाद मैंने काफ़ी स्टेट्स खेले, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी, कुछ मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं होने की वजह से मैं नेशनल नहीं खेल पाया। यूनिवर्सिटी में खेला, स्टेट तो मैंने खूब खेला, 10-15 स्टेट में खेल के आया, लेकिन वो प्रॉपर वो मुझे कोई सपोर्ट मिला नहीं। okay. तो मुझे दिल में वो ठसक रह गई कि मैं नहीं खेला, तो मैं ये बच्चे जब मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो इन बच्चों को, मेरे बच्चे नेशनल खेले, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बच्चे मेरी नेशनल खेल का ही, मैं तो इनको अपना परिवार ही मानता हूँ, सभी बच्चों को जो मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये बच्चे जब नेशनल लेवल पर गए तो मैं इनके लिए लड़ाई भी लड़ता हूँ आगे, 19-20 होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हर गेम में है सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिक्स होती है, ये होती है, वो होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इनके लिए लड़ता हूँ बच्चों से और मैं कोशिश करके ये करता हूँ कि जो बच्चा मेरा अच्छा फुटबॉल खेलेगा उदयपुर का, वो 100% आगे खेलेगा।
उदयपुर में अभी मेरे दो तीन साल में मेरे ग्राउंड के इतने बच्चे खेले, इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे खेले नेशनल सभी के लिए, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ तो सभी के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ कि हमारे मैक्सिमम बच्चे उदयपुर के खेलें। और कोशिश करता हूँ हमारे उदयपुर का नाम हो, अल्टीमेटली मेरा मोटिव यही है कि उदयपुर का नाम हो। तो आप हमारे बच्चों को, जो उदयपुर के बच्चे जो ये देख रहे हैं, ये वीडियो देखेंगे और जो फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके लिए फुटबॉल क्यों सही है? उनके लिए अभी बहुत सारे रास्ते खुल गए फुटबॉल में जी। जो सिस्टम था एक क्रिकेट की तरह भागने का, बार बार क्रिकेट जाना नहीं, खत्म। फुटबॉल में बहुत रास्ते हैं, बहुत स्कोप है और अच्छा पैसा है, करियर अच्छा है। हर गेम वाले फुटबॉल ही, वार्म अप के लिए फुटबॉल ही खेला करते हैं, क्रिकेटर भी सप्ताह में एक दिन तो फुटबॉल खेलेंगे जी। तो इसलिए फुटबॉल ही मेन सब गेमों का बेसिक यही है। उदयपुर के बच्चों के जो माँ बाप हैं, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि फुटबॉल को, आप क्यों अपने बच्चों को फुटबॉल परसू करने दें? सभी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी एक गेम के पीछे नहीं भागें, उनका टैलेंट पहचानो, उनको आप ग्राउंड भेजो और फुटबॉल इसलिए भेजो, यहाँ पे बहुत स्कोप है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, जरा सा टैलेंट आपको बहुत आगे पहुँचाएगा। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसके अलावा फिर सपोर्ट चाहिए आपको, बहुत सारी चीजें हैं। फुटबॉल में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका टैलेंट आपको आगे बढ़ाएगा। माय नेम इज खुशी सुराना। माय नेम इज यशवी जेटी। आई वुड लाइक टू पे अ बिग थैंक्स टू शकील सर, एज ही हैज ऑलवेज गाइडेड अस एंड अंडर हिज सुपरविजन ओनली वी हैव अचीव्ड व्हाट आई एम टुडे। वी रिसेंटली रिप्रेजेंटेड राजस्थान एट नेशनल लेवल इन अरुणाचल प्रदेश। मेरा नाम जयव्रत सिंह चंपावत है। मैं राजस्थान से स्कूल नेशनल खेला हुआ हूँ। और से पहले प्रैक्टिस में आने से पहले मेरे को मतलब थोड़ा बहुत जैसे गली में जैसे फुटबॉल खेलते हैं सब, वैसे दोस्तों के साथ खेलता था। फिर सर के यहाँ पे मेरे को पता चला कि सर यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं सबको, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। सर ने सबको मतलब सर सब जहाँ पे जो भी आता है सर उसको वेलकम है मतलब उसको, और सर ने हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी, बहुत टेक्निकल स्किल्स बहुत दी हमें सर ने। मेरा नाम करण गावरी है और मैं जौरमाइंस में रहता था पहले, और मैं पहले फुटबॉल खेलता था लेकिन मैं सब देखता था, मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था। तो मैं जब यहाँ पे उदयपुर पढ़ने के लिए आया तो मेरे को बताया कि यहाँ पे शकील सर इज अ कोच है फुटबॉल के, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके अपने अंदर बहुत सा इम्प्रूवमेंट देखा, मैंने यहाँ पे बहुत सी टेक्निक सीखी। मेरा नाम दिव्यांग चौबीसा है, मैं द स्टडी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं पहले 2 साल पहले मैंने फुटबॉल स्टार्ट की थी। मैं पहले ऐसे ही खेलता था, यहीं आता था, ऐसे ही किक मारता था, हर किसी किक मारता था। फिर मैं सर से मिला तो सर ने कहा था कि रेगुलर आना पड़ेगा। सर हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहोगे, रेगुलर आओगे तो एक प्लेयर बन सकते हो। मैं महाराणा मेवाड़ वार्डी रह चुका हूँ। मेरा नाम कैफ मियाँ जी है, मैं सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे आना मैंने करीबन 3-4 साल पहले स्टार्ट किया, जब हम लोग इनिशियली थे तो काफ़ी कम लोग थे। सर बहुत ज़्यादा, अभी तो फिलहाल काफ़ी लोगों की हेल्प है, सीनियर्स हेल्प करते हैं। उस समय जो सर ने हमारी हेल्प की और जो कंडीशन थी वो कुछ ही स्टूडेंट्स जानते हैं यहाँ पे, और मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मैं उन इनिशियल स्टूडेंट्स में से एक था। मैं सबसे पहले शकील सर को बहुत सारा थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि उदयपुर में जितने भी आज बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उससे सबसे बड़ा श्रेय शकील सर को जाता है, जिन्होंने बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि बच्चे आज आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, टाइमली आते हैं और बहुत अच्छे से बच्चे सीख रहे हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी की मदर हूँ, तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, सर पूरे अच्छे से सिखाते हैं। और सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू होता है बेटी को लेकर, तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर के अंडर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर सिर्फ अकेले पूरे उदयपुर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हम सबकी एक ड्यूटी बनती है कि हम सब भी मिलकर सर को सपोर्ट करें, ताकि सर इस चीज़ को आगे बढ़ा सके और हमारे उदयपुर का बहुत अच्छे से नाम हो सके। तो इस तरीके से हमने जाना शकील सर से, जो पिछले 2 वर्षों से निःशुल्क उदयपुर में उदयपुर के बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी लेवल की कोचिंग यहाँ पे सर निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं उदयपुर वासियों से कि आप अपने बच्चों को, अगर वो चाहता है कि फुटबॉल में डेवलप करना है, वो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी उदयपुर वासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, सर पिछले 2 वर्षों से जो सर अकेले अपने कंधों पे बोझ उठा के चल रहे हैं, हम में से अगर कोई एक बच्चा बहुत आगे जाके कल को अगर इंडिया लेवल पे खेलता है तो हमारी लेक सिटी का ही नाम रोशन होगा। सर की मुहिम से जुड़े और हम हमारे उदयपुर के बच्चों को एक बहुत सुनहरा भविष्य बनाने का एक अवसर दें स्पोर्ट्स के अंदर। थैंक यू।
फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह, एक नए दिन और कई सारे नए सरप्राइजेस के साथ।